हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सी विद कमल में, जहाँ पे मैं आपके साथ स्टिचिंग ट्यूटोरियल शेयर करती हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बोट नेक का डिज़ाइन, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में है और इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो को कम्प्लीट एंड तक देखिएगा, और उससे पहले प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम हमारी वीडियो शुरू करते हैं। बोट नेक बनाने के लिए मैं पेपर पेस्टिंग यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो बुकरम यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसकी 12 इंच ब्रेड्थ ली है और जो इसकी मैंने लेंथ कट की है वो मैंने 8 इंचेस कट की है, क्योंकि हम बोट नेक बना रहे हैं तो ये विड्थ वाइज ज़्यादा ही होते हैं ये वाले नेक। तो इसी तरह हमें फोल्ड कर लेना है हमारे नेक को। और जो मैं नेक की चौड़ाई जो रख रही हूँ, मैं 8.5 इंच रख रही हूँ, इसलिए मैं 4.2 इंचेस पे मार्क लगा के एक लाइन ड्रॉ करूँगी। और जब आप कुर्ती कट करते हैं जिस पे आपको बोट नेक बनाना है, तो आपको उसका तीरा जो है उतना ही कट करना है जितना हम कॉलर वाले नेक के लिए कट करते हैं। तो इसकी जो लेंथ है मैं 3.5 इंचेस रख रही हूँ। इसी तरह हमें बॉक्स बना लेना है, और बोट नेक की शेप के लिए मैं 1.7 इंच पे मार्क लगाऊंगी, और इसी मार्क के अकॉर्डिंग हमें शेप ड्रॉ करनी है हमारे बोट नेक के लिए। हमारी शेप ड्रो हो गई है, और जो हमने नीचे डिज़ाइन बनाना है, पैटर्न बनाना है, उसकी मैंने जो लेंथ है वो 2 इंचेस रखी है, और उसकी जो मैंने चौड़ाई है वो 1 इंच रखी है। और इसी तरह इसे लाइन ड्रो कर लेनी है। ऊपर से मैंने 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ा है क्योंकि हम एक बीट भी लगाएंगे इसमें। तो इसी तरह हमें ट्राइंगल शेप बना लेनी है। ये जो हमारा डिज़ाइन है वो 2 इंच विड्थ वाला है। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग आप मार्क लगा लें। और अभी हम आउटर नेक के लिए मार्क करेंगे। मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर रही हूँ हमारे नेक के डिज़ाइन से, जितना हमें चाहिए विड्थ हमारे कैनवस की, उसी के अकॉर्डिंग हमें ये मार्क लगाने हैं और शेप ड्रॉ कर लेनी है। तो हमारे नेक की शेप जो है कंप्लीट ड्रॉ हो चुकी है। अभी पहले सबसे पहले हमें आउटर नेक कट करना है, बाहर की शेप को कट कर देंगे हम इसी तरह से, और उसके बाद हम जो है हमारे इनर नेक को कट करेंगे। आप भी इसी तरह से कट करें। अगर आप पहले इनर नेक को कट करेंगे तो बाद में आपको कटिंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले आप बाहर से कट करें नेक को, और फिर आपको अंदर से नेक की कटिंग करनी है। और इसी तरह धीरे धीरे से जहाँ से हमारा डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है हमारे गले को। तो देखिए ये हमारा जो है पैटर्न तैयार हो गया है गले का, और अभी जो है हम इसे फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे प्रेस करके। तो मैंने इसे फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है, और यहाँ पे हमारा कर्व आ रहा है वहाँ पर हमें इसी तरह कट लगानी है, जिससे हमें जो है फोल्ड करने में फैब्रिक को आसानी होगी। और अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे एंड तक। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे कमेंट करके भी सजेशन दे सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे। तो हमारा नेक रेडी है अभी, और अभी हम इसे फ्रंट पीस पे अटैच करेंगे। हमें इसी तरह कुर्ती पे और नेक पे सेंटर मार्क कर लेना है, और इसी मार्क के अकॉर्डिंग सेट करते हुए गले को सेंटर से सिलाई लगा लेनी है कच्चे टंके से। तो अभी हमने जो है सिलाई लगा ली है, और ऊपर से मैं इसे पिन लगाकर सिक्योर करूंगी। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, जिससे हमारा नेक जो है वो ऊपर की तरफ बढ़े नहीं। और हमारे जो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगानी है, हमें कैनवस के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, हमें बिल्कुल उसके साथ साथ इसी तरह ध्यान से सिलाई लगानी है। अगर हम इसी तरह से साथ साथ सिलाई लगा के हमारे नेक को रेडी करते हैं तो हमारा नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होता है। तो आपको सेम इसी तरह से सिलाई लगानी है। और इसी ये वाली जो ड्रेस है वो मैंने लेयर ड्रेस बनाई थी, ये उसी का मैं नेक आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। अगर आपको वो लेयर ड्रेस का ट्यूटोरियल देखना है तो आप मेरे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो मैंने सिलाई लगा ली है अभी। अभी जो है हमें इसे कट करना है, हमें जितना मार्जिन 1/2 इंच के अकॉर्डिंग छोड़ते हुए हमारे नेक को कट कर लेना है, इसी तरह से जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। और अभी हम इसमें पूरे नेक में वी शेप में कट भी लगा देंगे। मैंने कट लगा ली है, और अभी जहाँ पे हमारे कॉर्नर है वहाँ पे हमें तिरछे कट लगाने हैं। बस हमें ध्यान में रखने की हमारी सिलाई कट ना हो। और अब हमें नेक को उल्टी तरफ उल्टा देना है, और इसके जो हमारे डिज़ाइन है उसे हमें अच्छे से निकाल लेना है सीजर की हेल्प से। और अगर बारीक कॉर्नर्स हैं तो आपको नीडल यूज़ करके इनको अच्छे से टर्न कर लेना है उल्टी साइड। और अभी हम इसको प्रेस कर लेंगे,
तो मैंने आयरन कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल नेक बना है हमारा। अभी जो है हमें नेक के एजेस पे सिलाई लगानी है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप मत लगाएं। और मैं इसी तरह से ऑल अराउंड इस पे सिलाई लगा लूंगी। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दें वीडियो देखते देखते ही। और इसी तरह हमें एजेस पे सिलाई लगा के हमारे नेक को रेडी कर लेना है। और अब हम इसमें एक बीड अटैच करेंगे। मैं वाइट कलर का पर्ल यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग देखें आपको जो भी कलर का यूज़ करना है। इसके लिए मैंने 4-लेयर थ्रेड यूज़ किया है नीडल में, और मैं बीचों बीच में से नेक में से इसे निकाला है। और यहाँ पर हमें नोट लगा लेनी है पहले, और अब हम इसमें बीट डाल लेना है। और इसी तरह दूसरे सिरे से निकालते हुए हमें इसको पक्का कर लेना है। आपको ये 3-4 बार इसको टंका लगा के पक्का कर लेना है बीट को। ये वाले नेक अगर आप ऑफिस वियर कुर्ती बनाना चाहते हैं तो उसमें बहुत अच्छे लगते हैं, फ्रॉक्स में बहुत अच्छे लगते हैं, जिससे आपको बहुत ही स्टाइलिश लुक मिलती है आपकी कुर्ती में। तो अभी हमें इसी तरह से नोट लगा लेंगे, और इसी तरह थ्रेड को हमें नेक के बीचों बीच में से निकालना है, जिससे हमारा नेक जो है वो अच्छा लगे और पीछे नोट दिखाई ना दे थ्रेड की। तो हमारा जो है नेक रेडी है। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप भी ये वाले स्टेप फॉलो करके ये नेक रेडी कर सकते हैं। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप इस फ्रॉक का फुल ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। और अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।